ईर्ष्या, जलन, द्वेष, ये हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। क्यों? क्योंकि हमारे सबसे बड़े शत्रु वो होते हैं जो हमें सबसे अधिक हानि पहुंचाए, और हमारी सबसे बड़ी हानि होती है समय की हानि। सबके पास जीवित रहने का एक सीमित समय होता है, कोई भी सदा अमर नहीं रहता। जलन और द्वेष के कारण हम जो समय अपने विकास और प्रगति में लगा सकते थे, वो समय हम उसके विषय में सोचने में लगा देते हैं जिससे हमें ईर्ष्या है। जलन की अग्नि शत्रु से अधिक स्वयं को जलाती है, तो अपने जीवन को धुआं बना देना क्या उचित है? किसी की प्रगति को देखकर अपने मन में ईर्ष्या और जलन लाने से उचित क्या ये नहीं होगा कि हमारे कारण किसी के होठों पर मुस्कुराहट आए? एक बार अपने मन से जलन को निकाल के तो देखिए, अपने आप को बहुत ऊंचा पाएंगे और समझ में आएगा कि इस ईर्ष्या के कारण हमने क्या क्या खो दिया है। ये अनीति है। कैसी अनीति अंगराज? मल युद्ध जरासंध ने स्वीकारा, और नियम यही था कि युद्ध दोनों में से एक योद्धा की पराजय स्वीकारने तक या मृत्यु तक होता रहेगा। जरासंध ने पराजय स्वीकारी नहीं, अंततः उसे मृत्यु प्राप्त हुई। कारण किसी का वध करना, क्या ये अनीति नहीं? जरासंध ने भीम को क्या हानि पहुंचाई थी? तो सर्प ने तुम्हें क्या हानि पहुंचाई थी कर्ण, जिसका तुमने वध कर दिया था? मैंने उस सर्प का वध किया क्योंकि वो मेरे निरपराध सारथी को डसने वाला था। यदि वो सर्प दंड का भागी था तो जरासंध भी दंड का भागी था कर्ण, जिसने 100 राजाओं की बलि चढ़ानी चाहिए। परंतु मैंने उन 100 राजा को मुक्त किया, फिर उसका वध क्यों किया? तुमने जरासंध से संधि की, 100 राजाओं को मुक्त भी करवाया कर, परंतु ये संसार क्या जरासंध के आतंक से मुक्त था? नहीं कर, तुम किसी की प्रवृत्ति नहीं बदल सकते मित्र, और जरासंध की प्रवृत्ति थी आतंक फैलाना, इसीलिए उसका विनाश आवश्यक था। मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता महाराज युधिष्ठिर की ओर से यह घोषणा करता हूं कि आज आप जरासंध के आतंक से सदा सदा के लिए मुक्त हुए। महाराज युधिष्ठिर की जय! वासुदेव कृष्ण की जय! महाराज युधिष्ठिर की जय! वासुदेव कृष्ण की जय! हम सब आपके आभारी हैं महावीर अर्जुन। हम सब अपने आप को महाराज युधिष्ठिर के अधीन स्वीकार करते हैं। जो अधीन हो वो दास होता है, और हमें दास नहीं आपकी मित्रता चाहिए। महाराज युधिष्ठिर की जय! महाराज युधिष्ठिर की जय! इन लोगों ने अपना चयन कर लिया है अंगराज, और मुझे उस पल की प्रतीक्षा है जब तुम उचित चयन करोगे। कर ने कहा था कि जीवन में कुछ उचित अनुचित नहीं होता। अब समझ में आया कि ऐसा क्यों कहा था। यदि कुछ है तो वो है कर्म, और आपके कर्म के परिणाम, और
मेरे कर्म मेरी दृष्टिकोण में उचित हैं और आपके कर्म आपकी दृष्टिकोण में। अद्भुत, तुम मुझे कभी चकित करने में असफल नहीं होते मित्र। प्रत्येक बार तुमसे मिलकर तुम्हारे लिए मेरा सम्मान और अधिक बढ़ जाता है। वासुदेव, मैं आपको सावधान करता हूं कि जिनकी सहायता और उत्थान के लिए आप ये प्रयास कर रहे हैं, कि जिनके पक्ष में आप मुझे ले जाना चाहते हैं, एक दिन वही आपका सम्मान भंग करेंगे, आपको लज्जित करेंगे। प्रणिपात, प्रणिपात अंगराज। वासुदेव, स्वप्न में आपने मुझसे कहा था कि आप हमें मुक्त कराने आ रहे हैं। वो स्वप्न ही था या सत्य? मनुष्य के स्वप्न ही उसके भविष्य का, उसके अस्तित्व का परिचय होते हैं भद्र विश्वकर्मा। यदि मनुष्य स्वप्न देखेगा नहीं तो उन्हें पूर्ण करने की चेष्टा कैसे करेगा? स्वप्न हमें चेष्टा की प्रेरणा देते हैं। अवश्य आपका स्वप्न एक सत्य था भद्र। जरासंध के अत्याचारों से हमें मुक्त कराकर आपने हमारे प्राणों की रक्षा की है। आपके उपकार को मैं कैसे चुकाऊंगा? एक भूमि को श्राप मुक्त करके मैं? हाँ, क्योंकि जहां श्राप हो वहां पाप को जड़े बैठाने का अवसर मिलता है, और पाप का तारण एक पुण्य आत्मा ही कर सकती है भद्र। यदि आप ये उपकार चुकाना चाहते हैं तो आपको युधिष्ठिर के राज खांडवप्रस्थ के श्राप को हरना होगा, और यदि नहीं तो भी यह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। निर्णय आपका है भद्र। इसीलिए मुझे वो कृष्ण पूरी आंख नहीं सुहाता। हर बार कुछ ऐसा करता है कि मेरा स्वप्न चूर चूर हो जाए। हर बार मामा श्री, स्वप्न की बात कर रहे हो मेरे होने वाले सम्राट? स्वप्न की? मुझे तो पूरा भविष्य दिखाई दे रहा है। जरासंध का भय समाप्त होते ही अब पांडवों की शक्ति बढ़नी प्रारंभ हो जाएगी, और आप अंगराज कर्ण हमेशा कहते हो अवसर नहीं मिलता, अवसर नहीं मिलता, और अब अवसर मिल गया तो क्या कर लिया तुमने? जरासंध जैसा महान बलशाली योद्धा मित्र खोया तो खोया, और वो सौ राजा वो भी पांडवों के पक्ष में चले गए। मेरा कर्तव्य जरासंध को हमारे पक्ष में करना था, जो मैंने किया, परंतु वो राजा किसके पक्ष में जाएंगे इस विकल्प के चयन पर उनका अधिकार था, मेरा नहीं। विकल्प? अंगराज, कदाचित आपको ज्ञात नहीं होगा, शासक कभी भी प्रजा के सामने विकल्प नहीं रखता ना, वो केवल प्रजा को अनुभव करवाता है कि उनके पास चुनने का विकल्प है, परंतु वास्तविकता में वो केवल वही चुनवाता है जो वो चाहता है।
जैसे जैसे अर्जुन ने किया। उन 100 राजाओं के समक्ष केवल केवल एक ही विकल्प रखा, युधिष्ठिर से मित्रता। और आप उन्हें स्वतंत्रता की भेंट चढ़ाकर चले आए। परंतु अंगराज, इसमें तुम्हारा क्या दोष? ना, तुम्हारा कोई दोष नहीं है इसमें। क्योंकि शासन कला और राजनीति पुल से आती है, पुल से। और तुम जिस कुल में जन्मे हो वो शासक नहीं, शासित है, शासित। और तुम्हारे रक्त में नेतृत्व करना नहीं, अनुसरण करना और आज्ञा का पालन करना है। समझ गए अंगराज? मुझे प्रसन्नता है कि मेरा जन्म उस कुल में हुआ जहां रथ चक्र बनाए जाते हैं, कुचक्र नहीं, जहां आज्ञा का पालन किया जाता है, षड्यंत्र नहीं। मित्र दुर्योधन ने जो मुझसे कहा मैंने उसका अनुसरण किया, षड्यंत्र नहीं। बस मामाश्री, वहां वो पांडव अपना बल बढ़ा रहे हैं और आप मेरे मित्र का अपमान कर रहे हैं मामाश्री। धन्य हो मेरे होने वाले सम्राट, यहां तुम्हारा मित्र तुम्हारा भविष्य पांडवों की झोली में डालकर चला आया और तुम मान और अपमान को लेकर बैठ गए। परंतु अब मैं दर्शक बनकर नहीं बैठूंगा ना, अब इस खेल की कमान मैं संभालूंगा। उस वासुदेव कृष्ण के इस छल का उत्तर मैं भी छल से ही दूंगा। वासुदेव, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्, सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरये। राज इंद्र के आशीर्वाद से निर्मित यह भव्य नगर इंद्रप्रस्थ कहलाएगा। मैं ये इंद्रप्रस्थ धर्मराज युधिष्ठिर को भेंट करता हूं। मैं आपका आभारी हूं भद्र विश्वकर्मा। मैंने तो केवल अपने मुक्त होने का ऋण चुकाया है। धन्यवाद के पात्र तो वासुदेव कृष्ण है। मेरा आभार स्वीकार कीजिए वासुदेव। मैं युधिष्ठिर से धन्यवाद नहीं स्वीकार करूंगा।
क्यों वासुदेव? क्योंकि मुझे सम्राट युधिष्ठिर से धन्यवाद लेना है। समय आ गया है कि आप राजसूय यज्ञ संपन्न करके सम्राट की पदवी पाए। धर्मराज, यज्ञ का संकल्प लो। आर्यव्रत के समस्त राजाओं को निमंत्रण दो। मैं चाहता हूं कि संपूर्ण आर्यव्रत आपका प्रभुत्व स्वीकार करे। वो महाअभिमानी भी, जिन्हें लगता है कि पूरे संसार में उनका कोई तोड़ नहीं। वो जो वरदान के दंभ में सबको श्रापित समझते, वो जिनका प्रारब्ध इस राजसूय यज्ञ से जुड़ा है। आइए आइए छेदी नरेश, स्वागत है आपका। नरेश, टूटी टांग के लिए चिकित्सक से परामर्श ली या भी पता कितने खिला के चलते हैं। केश जितने श्वेत हो रहे हैं, दंत पंक्ति उतनी ही काली होती जा रही है। कदाचित आप भूल रहे हैं कि आप किसका उपहास कर रहे हैं। क्षमा करना, महाबली सर्वशक्तिशाली दुर्योधन, हमें अभी अभी स्मरण हुआ, अभी अभी उपहास तो आपका करना चाहिए। क्या सर्वप्रथम पांचाल नरेश ने आपका उपहास किया? पांचाली के स्वयंवर में उपहास हुआ आपका, और जब आप महाबली सर्वशक्तिशाली सम्राट दुर्योधन बनने वाले थे, उस समय युधिष्ठिर ने मुकुट छीन लिया। और जब तुम युवराज बने, तब तक युधिष्ठिर राजा बन चुका था। राजा कहावत याद आई, धोबी का श्वान न घर का न घाट का। बस बहुत क्षमा करना, वध मत करना। मैं मूर्ख हूं, दुष्ट हूं, अस्त्र शक्तिशाली हूं। क्षमा करना, समझ में आया मेरे होने वाले सम्राट? मैंने छेदी नरेश को अकेले में मिलने के लिए क्यों बुलाया? इन्हें इन्हें वरदान है, वासुदेव कृष्ण के अतिरिक्त इन्हें और कोई नहीं मार सकता।
हाँ, और वासुदेव कृष्ण भी इनका वध तभी कर सकते हैं जब ये उनके समक्ष 100 अपराध पूर्ण ना कर लें। उस वासुदेव कृष्ण के हर छल का उत्तर है ये। छेदी नरेश, शिशुपाल,